So, यार ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव फिट्स कोर्स फॉर MHTCET 2023 के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरीके से बच्चे सोचते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में वन शॉट लेक्चर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे नहीं यार, लास्ट के दिनों में ये करना होता है। आपकी जो पोटेंशियल रैंक आती उससे आप हजारों रैंक आगे आ सकते, ये पर्पस है इस कोर्स का। तो जो बच्चा एकदम ही जीरो पे है उसकी भी स्कोर देखो, थोड़ी सी ठीक ठाक से दिख रही है। दिस कोर्स इज फॉर एवरीबॉडी हु इज अपीयरिंग इन MHTCET। क्या आपको बात समझ में आ रही है? पांच नंबर अपने से आगे वाले को भी आप बीट करने का क्षमता रखते हो कम टाइम में तुक्का ट्रिक्स के बदौलत। जो इम्पैक्ट होता है ना यार, जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है। बात यह है कि पांच घंटे में जो पांच साल का एक्सपीरियंस है और जो आपके आगे के पांच साल जीवन के अच्छे करने वाला है, वो इम्पैक्ट जो है वो कोर्स लाता है। 30, 31, फिर भी देखो 31 सही हो गया ना। हमने फिजिक्स के अंदर में 38 सही किया, केमिस्ट्री के अंदर में हमने 36 सही किया। 100 क्वेश्चन सही करने का हमने 5 क्वेश्चन ज्यादा सही किया, 105 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है सही किया है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंटेलिजेंट ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर MHTCET के ले लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको चार क्वेश्चन दिख रहा है। इन चारों क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा कुछ जुगाड़ ट्रिक्स, कुछ इंटेलिजेंट ट्रिक्स, जिससे कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक MHTCET 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। अगर आप एकदम जीरो पे हो ना तो भी आप पूरे पेपर में तुक्का लगा के 200 में से 1/3 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मतलब कि 70 प्लस का स्कोर आप मैनेज कर सकते हो। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो ना, अगर आप 80-90 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर सकते हो, तो उसके बाद में जो बचे हुए आपके मार्क्स रहते हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस रहते हैं, वहां से आप अपना स्कोर बूस्ट करके 120-130 इस रेंज में अपने स्कोर को जो है ले जा सकते हो। पांच घंटे का हमारे पास में स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, लास्ट मिनट कोर्स है ये, एंड मोमेंट में देखने के हिसाब से ही बनाया गया है। इसके अंदर में आपको एप्लीकेशंस मिलते हैं, ट्रिक्स मिलते हैं, सारे स्ट्रक्चर्ड वे में। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा इस कोर्स को देखने के बाद में, सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से आपको क्या करना है, सारे रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे। आप लोग इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो, आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा विद सॉल्यूशंस। तो अगर आपका एग्जाम 12 तारीख को है, 13 तारीख को है, 14 तारीख को है, आप इसके अंदर जरूर से अभी भी एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आ जाओ यार बात करते हैं इन चार क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है क्या, पूछा है आपको जो भी पूछा है आपको, आप अगर ध्यान से देखो तो आपको ना क्वेश्चन के अंदर में एक एक्सेलरेशन दिया हुआ है ना, रिटार्डेशन दिया हुआ है। तो आंसर में बहुत हाई चांसेस है कि वो होगा, है ना। कोई एक टर्म अगर आपको VA दिया है, VB दिया है, आपको S निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना, ठीक है, यहां पर आपको डिस्टेंस निकालना है, कहीं ना कहीं रिटार्डेशन का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ना सॉल्विंग में, ठीक है, कि भाई यार नो कोलिजन का कंडीशन क्या है, सब बोला है, नॉर्मल सी सिक्स सेंस है। आप बोलोगे हाँ यार एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन में इन्वॉल्वमेंट जो है होना चाहिए, तो आप देखोगे ना ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में ना है ही नहीं एक्सेलरेशन का टर्म, ठीक है, तो चांसेस कम है इसके करेक्ट आंसर होने का। आप इन दोनों में से तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है VA, VBS, A सारे टर्म्स आपको दिए हुए हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो इंटेलिजेंट गेसिंग सीखो, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, तुक्का लगाना सीखो, अपने प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना सीखो। जो भी क्वेश्चंस में आप गेस करोगे उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी को आप बढ़ाओ इस तरीके से। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप देखो, आपको दिया है 2kg 4kg, ठीक है, यहां पर आप ले लो 2kg, यहां पर आप ले लो 4kg, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों के बीच का डिस्टेंस 9 मीटर दिया हुआ है, तो मैं क्या ले लेता हूं 4.5 और ये 4.5 ले लेता हूं बीच का, ठीक है। अब एक बात बताओ, आप सिंपल सी बात बताओ कि जो सेंटर ऑफ मास है वो इस तरफ रहेगा, क्योंकि यहां पे मास ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास यहां पे कहीं रह सकता है, तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो 2kg से कितना रहेगा, ग्रेटर देन 4.5, और 4kg से कितना रहेगा, लेस देन 4.5, सिंपल सी बात है, ठीक। तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो दिया है 6 मीटर फ्रॉम 2kg सही दिया है, ये सही हो सकता है, ठीक है। और आप देखो 3 मीटर फ्रॉम 2kg नहीं होगा, 2kg से दूर है, 4.5 से ज्यादा डिस्टेंस है, 3 मीटर कम है, ये कट जाएगा, समझ रहे हो। अब आप 4kg से कंपेयर करोगे तो डिस्टेंस 4.5 से कम आएगी, तो 6 मीटर नहीं होगा, ये कट जाएगा, 2 मीटर सही हो सकता है, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात यह है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो छोटे वाले मास से जो डिस्टेंस होगा 4.5 से ज्यादा होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इस तरफ शिफ्टेड है सेंटर से, ठीक है, दोनों के सेंटर से इस तरफ शिफ्टेड है क्योंकि मास इधर ज्यादा है। तो यहां पे क्या 2kg से 6 मीटर पॉसिबल है, और
4 kg से सिर्फ 2 meter, मतलब 4.5 से कम पॉसिबल है। ए और बी में से आप यहाँ पे तुक्का लगा सकते हो। डायग्राम बना के हमको समझ आ गया कि दो में से कोई एक केस पॉसिबल है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। दोनों आंसर नहीं हो सकता क्योंकि दोनों को ऐड करने से 9 नहीं आ रहा, 6 और 2 ऐड करने से 8 आ रहा है, 9 नहीं आ रहा। तो मल्टी करेक्ट में हो सकता है कभी आपको दो आंसर मिले जब दोनों का एडिशन आपको 9 आ जाए इस तरीके से। सिंगल करेक्ट में ए और बी में से आपको एक में तुक्का लगाना है। दो ऑप्शन एलिमिनेट किया, एक में तुक्का लगाया, हमने अपने आंसर के करेक्ट होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा दी। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? अब आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो। यहां पर क्या है, पार्टिकल SHM कर रहा है, स्पीड V1 है, V2 है, डिस्टेंस X1 X2 है। सिंपल सा चीज, अजम्पशन मेथड का यूज करो। आप अजम्पशन मेथड का यूज करो। क्या अज्यूम कर ले हम लोग? क्या मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि मान लो जैसे SHM हो रहा है ना, तो SHM तो ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। क्या मैं ऐसा कर लूं कि X1 को 0 ले लूं? क्या मैं ले सकता हूं X1 इक्वल्स टू 0? अगर मैं X1 को 0 ले लूंगा तो मीन पोजीशन आ जाएगा। मीन पोजीशन में जो V1 होता है वो होता है ओमेगा ए के बराबर, V इक्वल्स टू ओमेगा ए V मैक्स। और अगर मैं X2 को एम्पलीट्यूड ले लूं कोने वाला पोजीशन, तो मेरे को पता है जो V2 होगा वो 0 होगा, क्योंकि कोने में स्पीड 0 हो जाती है ना। SHM का मोशन यही तो है, यहां पे स्पीड ज्यादा होगी, कोने में स्पीड कम होगी, 0 हो जाएगी, फिर घूम जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो। सिंपल SHM इस तरीके से आप फील कर सकते हो। बीच में स्पीड जो है मैक्सिमम होती है, कोने में स्पीड 0 होकर डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो अगर मैं X1 को 0 ले लूं तो मीन पोजीशन में Vmax रहता है, V1 की वैल्यू ओमेगा ए के बराबर, और एंड में एम्पलीट्यूड अगर ले लूं X2 को तो मेरा V2 हो जाएगा 0। क्लियर है? अब अगर मैं सेम वैल्यूज को ऑप्शन में पुट करूं तो आप देखना क्या होगा। आपको टाइम पीरियड निकालना है। आपको पता है टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, पता है आपको, क्लियर है। अगर आपने इसको ऑप्शंस में पुट किया ना, आप देखो पहले ऑप्शन सी देखो। ऑप्शन सी में जैसे ही पुट करोगे आपका X1 X2 का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, टाइम पीरियड 0 थोड़ी होगा, काट दो, ये ऑप्शन ही सही नहीं है, समझ रहे हो आप बात को। जैसे आप ऑप्शन डी में चेक करोगे ना, तो V1 V2 का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, समझ रहे हो, तो इनफाइनाइट आ जाएगा, टाइम पीरियड इनफाइनाइट थोड़ी हो सकता है, काट दो इसको। क्या नेक्स्ट लेवल जुगाड़ है ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का। अब आप ऑप्शन ए को चेक कर लो, तो 2π√(x2^-x1^2), मतलब x2^-x1^2 मतलब a²/v2^-v1^2, v2^-v1^2 मतलब कि -ω²a², तो ये आपका क्या है, कुछ नेगेटिव में आ रहा है ना, ये आपका क्या है, कुछ नेगेटिव में आ रहा है, तो ये टाइम पीरियड नहीं होगा, रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है। ऑप्शन बी को आप देख लो, तो 2π√(x1^2-x2^2, x1^2-x2^2 मतलब -a² / v2^-v1^2 मतलब कि v2^-v1^2 मतलब कि -ω²a², तो माइनस से माइनस कटा, a² से a² कटा, और 1√(ω²) आ रहा है ना, तो ये आ जाएगा बाहर ओमेगा, तो 2π/ओमेगा आ गया आपका आंसर। ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या नेक्स्ट लेवल जुगाड़ था ना, एक्चुअल तरीके से नहीं सॉल्व करके हमने अज्यूम कर लिया दो पर्टिकुलर केसेस, और उसके हिसाब से X1 और V1 हमें पता है वैल्यूज, हमने स्पेसिफिक पॉइंट्स ले लिया मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन, उसके हिसाब से हमारा आंसर जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। इसको कहते हैं नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंट जुगाड़ ट्रिक। यहां पर आप देखो एक्सेलरेशन निकालना है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, और फोर्स क्या होता है, q(e)/m, है ना। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द क्वेश्चन इज, एक्सेलरेशन में डिवाइडेड बाय मास होता है, इतना तो पता है ना। यहां पे मल्टीप्लाइड बाय मास है, ये काट दो। यहां पे मल्टीप्लाइड बाय मास है, ये भी काट दो। यहां पे बाय मास है, यहां पे बाय मास है, इतना तो कॉमन सेंस सबको होता है कि हमारे पास में जो एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स बाय मास होता है, तो मास का टर्म नीचे आना चाहिए। तो उन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो। अगर आप फिजिक्स में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं भी हो, आपको नहीं भी आ रहा, तो भी आप इतना फील कर सकते हो ना कि बाई मास होगा, एक्सेलरेशन में बाई मास आता है, तो आप ए और सी में से तुक्का लगा सकते हो, राइट। तो ये यार कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स थे, कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स थे, कुछ जाली जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स थे, जिससे कि आप अगर क्वेश्चन को सोल्व करते हो, उन क्वेश्चन को जो आपसे एग्जाम में सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो बचे हुए क्वेश्चन जहां आप तुक्का मारते हो वहां पर अपने स्कोर को जो है मैक्सिमाइज कर सकते हो। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, पहले का है बी, ठीक है, दूसरे का करेक्ट आंसर है ए, ठीक है, तीसरे का करेक्ट आंसर है बी, और चौथे का करेक्ट आंसर दिया है ए, ठीक है। ये हमारे पास में चारों क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर की आपको दिया है। अब आप लोग जाओ यार डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक दिया हुआ है इस 5 hour कोर्स का 2023 MHT CET के लिए। अगर आपका एग्जाम में 1-2 दिन बचा हुआ है तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है, और अपने कॉन्फिडेंस को जो है बूस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप फ्री प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, ठीक है, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो ये आप एपिसोड देख रहे हो ना, ये फ्री प्लेलिस्ट का पार्ट है, इसके अंदर में प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस आप देखते हो, इससे भी आप काफी कुछ सीखोगे। अगर आप बाई चांस कोर्स में अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप फ्री प्लेलिस्ट से भी बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हो, इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।